दोस्तों ऑप्टिकल टेक्नीशियन राजू का चैनल में और एक नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों मेरे पास जो भी फ्रेम लेंस आता है, हम लेंस को फ्रेम में फिटिंग करके आपको फ्रेम का प्राइस और लेंस का प्राइस दिखा देता है। अगर आप पावर का चश्मा पहनता है तो आप मेरा वीडियो को देखिएगा, आपको हम अलग अलग ब्रांड का जो फ्रेम लेंस होता है दोस्तों अलग अलग वीडियो में दिखाते रहेंगे। और दोस्तों ये जो फ्रेम आपको हम दिखा रहा है ये कैरेरा का फ्रेम है, लाइट वेट का फ्रेम है दोस्तों, और फ्रेम फुल फ्रेम है। फ्रेम का साइज जो है स्टैंडर्ड साइज है। और दोस्तों इस फ्रेम का जो मेटल्स है, एसीटेट बोल के एक मेटल्स मिलता है दोस्तों, वही यूज किया हुआ है फ्रेम में। और मेरा हिसाब से तो दोस्तों लास्टिंग करना चाहिए, ब्रांडेड फ्रेम है। और फ्रेम का साथ बॉक्स आता है, वारंटी कार्ड भी आता है दोस्तों। और बॉक्स इस फ्रेम का साथ कैसा आएगा हम आपको स्क्रीन में दिखा देंगे, देख लीजिएगा। और इस फ्रेम में दोस्तों ये लेंस फिटिंग होगा, जाइस का डुराविशन ब्लू गार्ड लेंस है, सिंगल विशन पावर है, माइनस पावर का लेंस है दोस्तों, 1.5 इंडेक्स है, प्लास्टिक लेंस है दोस्तों। और दोस्तों सिंगल विशन जो जाइस का लेंस आता है स्टॉक पावर में, जो लेंस का साथ कार्ड जो देता है दोस्तों उसमें पावर लिखा नहीं रहता है, आरएक्स पावर होने से लिखा रहेगा। और ये लेंस का पैकेट है, इसमें पावर लिखा हुआ है, -2 का साथ में, -75 सिलिंड्रिकल, -125 का साथ, -75 सिलिंड्रिकल, डुराविशन टाइटेनियम ब्लू गार्ड 1.5 इंडेक्स। और दोस्तों आप लोग वीडियो को देखते रहिए, इस लेंस को हम इस फ्रेम में फिटिंग करके आपको हम थोड़ा लुक भी दिखा दे रहा है, और फ्रेम का और लेंस का प्राइस भी आपको दिखा देंगे, देख लीजिएगा। और दोस्तों इसको मैनुअल में फिटिंग करेगा, ये देखिए इस सर के जो चश्मा में ग्लास लगा था इसको ऐसा ऊपर रख के मार्कर पेन से चारों तरफ घुमा के धागी मार के, उसका बाद इसको फाइबर जो ग्लास काटता है उसमें काट के एजिंग मशीन में शेप मिला के फिटिंग कर देगा। और दोस्तों ये जो हम फिटिंग करेगा हमको 50 रुपीज़ मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों ये देख लीजिए फिटिंग हो गया। और दोस्तों ब्लू गार्ड लेंस और क्लियर व्यू लेंस जो है दोनों लेंस देखने में एक ही जैसा है। क्लियर व्यू लेंस पहले 1.5 इंडेक्स का नहीं मिलता था, अभी 1.5 इंडेक्स का भी मिलता है। और दोनों का जो प्राइस है उतना डिफरेंस नहीं है, हल्का सा डिफरेंस है। क्लियर व्यू लेंस में अलग से एक कोटिंग यूज करता है, ग्लास थोड़ा शाइनिंग करता है। और दोनों का जो मेटल्स है दोस्तों ऑलमोस्ट एक ही है। अगर आपका पावर -4 का ऊपर में है तो आप अगर जाइस का लेंस लेने चाहता है तो आप क्लियर व्यू लेंस को ले सकता है दोस्तों। अगर आपका पावर -4 का नीचे है तो आप ब्लू गार्ड लेंस भी ले सकता है, दोनों का जो काम है एक ही करेगा। और दोस्तों कार्ब ग्लास और फ्लैट ग्लास में जो डिफरेंस होता है दोस्तों, ज़्यादा पावर होने से तभी आपको डिफरेंस मालूम चलेगा, कमती पावर में मालूम नहीं चलता है। और सिंगल पावर का जो लेंस होता है दोस्तों पूरा लेंस में पावर रहता है, और लेंस का बीच का जो पर्सन रहता है दोस्तों उसी में सेंटर रहता है। और आप लोग अगर पावर का चश्मा पहनता है तो आपका पावर देखिएगा, माइनस पावर का अगर लेंस है देखिएगा, लेंस का एक साइड चश्मा का साइड से निकला रहता है ज़्यादा। क्या होता है दोस्तों मिडिल का जो सेंटर लेने का टाइम में वो ग्लास का साइड का जो पर्सन रहता है ज़्यादा निकल के रहता है, और माइनस पावर का लेंस जो होता है दोस्तों बीच में पतला रहता है, साइड मोटा रहता है दोस्तों। और दोस्तों मेरा वीडियो सब अभी हम थोड़ा लंबा करके इसलिए दे रहा है, क्या होता है दोस्तों आप लोग से बात करते करते मेरा वीडियो ख़त्म हो जाता है, अच्छा से आप लोग को हम कुछ भी बोल नहीं सकता है। और दोस्तों आप लोग को अगर कुछ भी पूछना है तो आप हमको कमेंट भी कर सकता है। अगर आप चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ऐसे अलग अलग फ्रेम लेंस का वीडियो आपको मिलते रहेगा दोस्तों। और दोस्तों मेरा पास फिटिंग आता है दोस्तों, हम आपको दिखा देता है, बाकी आप अपना हिसाब से डिसाइड करिएगा। और दोस्तों आजकल तो फ्रेम लेंस का बहुत कंपनी है अलग अलग, आप जब भी पावर का चश्मा बनाइए अच्छा से देख के बनाए।